हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो बिहार एसएससी में पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि स्पार्क बुक कराएगा उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, उस वृहद संहिता का लेखक कौन है जिसमें ज्योतिष ग्रहों के चलन और रत्नों मणियों और रिवाजों को घरेलू संबंध का वर्णन किया गया है। तो ये हो जाएगा बराह मिहिर। और बराह जो मिहिर थे, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। दीप्ति मापी क्या मापने के लिए प्रयुक्त होता है? तो ये रोशनी की तीव्रता मापने के लिए प्रयुक्त होता है। भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली की तरह है। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश सम्राट और रूसी सम्राट के बीच अफगानिस्तान और पड़ोसी क्षेत्रों के विषय में एक राजनैतिक और राजनयिक विरोध था, उसे किस नाम से जाना जाता था? तो उसे द ग्रेट गेम के नाम से जाना जाता था। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश सम्राट और रूसी सम्राट के बीच अफगानिस्तान और पड़ोसी क्षेत्रों के विषय में एक राजनैतिक और राजनयिक विरोध था, उसे किस नाम से जाना जाता था? तो उसे द ग्रेट के नाम से जाना जाता था। नासिक शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा के नाम से जानते हैं। कौन सी प्रक्रिया वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा को बनाए रखती है? तो ये हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। गन्ने का पौधा किसके द्वारा उगाया जाता है? तो तने की कटिंग के द्वारा। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा, एक काल में सभी अंतिम उत्पादों और सेवाओं के बाजार मूल्य के मुद्रा मापन को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। एक काल में सभी अंतिम उत्पादों और सेवाओं के बाजार मूल्य के मुद्रा मापन को क्या कहा जाता है? तो सकल घरेलू उत्पाद। 10वीं पंचवर्षीय योजना में सर्व शिक्षा अभियान किस लिए चलाया गया था? 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए चलाया गया था। भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया? क्योंकि इसी दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा, राष्ट्रीय बांस मिशन किससे संबंधित है? तो ये पूर्वोत्तर राज्यों में बांस को व्यापार के लिए उगाने को प्रोत्साहन देने के लिए। स्वतंत्रता संग्राम का कौन सा नेता बिहार विभूति कहलाता है? तो बिहार विभूति के नाम से अनुग्रह नारायण सिन्हा को जाना जाता है। भारतीय संसद में शून्यकाल का अर्थ क्या है? प्रश्नकाल के तुरंत बाद जब लगभग दिन के 12 बज रहे हों तब सदस्य मुद्दे उठा सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो शून्यकाल कहते हैं। आगे देख लेंगे, आर्थिक वृद्धि को सामान्यतः किसके साथ मिलाया जाता है? तो ये मिलाया जाता है मुद्रास्फीति के साथ। आर्थिक वृद्धि को सामान्यतः किसके साथ मिलाया जाता है? तो मुद्रास्फीति के साथ मिलाया जाता है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन जीवों के लिए एक प्रभावी कवच बनकर किसके लिए किससे बचाती है? तो ये बचाती है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण से, जो कि हानिकारक किरण है। आगे हो जाएगा, पर्वतीय भू आकृति का अधिकतम प्रतिशत किस राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का है? तो यह हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश के। कौन सी राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से मिलती है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की जो सीमा है सबसे अधिक राज्य से लगती है, 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादन राज्य कौन सा है? तो यह हो जाएगा गुजरात। बेन गंगा किसकी सहायक नदी है? तो ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है। और बेन गंगा और पैन गंगा जो है ये गोदावरी की सहायक नदी है। आगे देख लेंगे, घूसर और भूरी जमीन अधिकतम कहाँ पे पाई जाती है? तो यह राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है। किस बंदरगाह का नाम दीनदयाल पोर्ट रखा गया है? तो ये कंडाला बंदरगाह के जो नाम है इसे बदल कर दीनदयाल पोर्ट रखा गया है, और ये जवारीय बंदरगाह है। किस देश में विश्व के सबसे बड़ा एयर प्यूरीफायर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है चीन में। आगे हो जाएगा, इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? यह है NIR द्वारा परित्यक्त महिलाओं को न्याय दिलाना। इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? तो NRI के द्वारा परित्यक्त महिलाओं का न्याय दिलाना। आगे देख लेंगे,
अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? तो वाहनों के इंजन चलने से और कोयला जलने से। सन 1916 में बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा भारतीयों के लिए होम रूल लीग आंदोलन क्यों चलाया गया था? क्योंकि ब्रिटिश भारतीय सरकार से स्वशासन प्राप्त करने के लिए ये चलाया गया था। बिहार का मिथिला क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये मधुबनी चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि गुजरात में स्थित है। साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, क्यों? तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है? तो ये खाली जमीन पर ईंधन चारे के लिए तथा पर्यावरण हित के लिए पादप लगाना। सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है? खाली जमीन पर ईंधन चारे के लिए तथा पर्यावरण हित के लिए पादप लगाना। विश्व वानिकी दिवस कहेगा तो 21 मार्च को मनाया जाता है। आगे देख लेंगे, आगे है, मानव शरीर में पित्त रस का कार्य क्या है? तो मानव शरीर में पित्त रस के कार्य हो जाएगा वसा के पाचन के लिए पायसीकरण और वसा में विलेय होने वाले विटामिनों का अवशोषण करने के लिए। वसा के पाचन के लिए पायसीकरण और वसा में विलेय होने वाले विटामिन का अवशोषण। एक परितंत्र में अपघटक कौन होते हैं? तो एक परितंत्र में अपघटक कवक और जीवाणु होते हैं। ओंकोटाइप DX किसके परीक्षण की नई तकनीकी है? तो स्तन कैंसर का। म्यांमार की वर्तमान प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो यह हो जाएगा नेपिडो, और म्यांमार के वर्तमान में नाम हो जाएगा बर्मा। जो बर्मा है एक्ट 1935 के तहत 1937 में ये भारत से अलग हुआ था। आगे देख लेंगे, नीली क्रांति किसके उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है? तो ये संबंधित है मछली उत्पादन से। भारत में विदेशी नीति का अर्थ क्या है? तो राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए स्वाहित रणनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत उद्देश्य को प्राप्त करना। भारत में विदेशी नीति के कहेगा कि अर्थ क्या है? तो राष्ट्रीय हितों के रक्षा के लिए स्वाहित रणनीतियों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत उद्देश्य को प्राप्त करना। गेहूं का कंड एक महत्वपूर्ण रोग है जो किसे हानि पहुंचाता है? तो गेहूं के बाल को। और गेहूं में रस्ट रोग जो होता है ये कवक के कारण होता है। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा, मानव में घेंगा किसकी कमी के कारण होता है? तो मानव में घेंगा जो रोग है ये आयोडीन की कमी के कारण होता है। रेडॉन एक अक्रिय गैस है जो किसके लिए प्रयुक्त होती है? तो ये कैंसर उपचार में विकिरण चिकित्सा के लिए प्रयुक्त होती है। आगे देख लेंगे, 1 करोड़ से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना को स्वीकृति प्रदान की है? तो यह हो जाएगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। किस राज्य में रक्षाबंधन दिवस को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये राज्य हो जाएगा बिहार। किस राज्य में रक्षाबंधन दिवस को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये राज्य हो जाएगा बिहार। किस एक्सप्रेसवे का नाम अटल पथ घोषित किया गया है? तो ये हो जाएगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन मदद किससे संबंधित है? तो केरल में बाढ़ पीड़ितों के बचाव से। स्टैचू ऑफ यूनिटी का संबंध किनसे है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से, और इनकी मूर्ति बनाया गया है तो गुजरात में। मुगलसराय जंक्शन रेलवे स्टेशन का आधिकारिक तौर पर नाम बदल कर क्या रखा गया है? तो ये हो गया है दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन। किस राज्य ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर प्रकाशित किया है? तो ये हो जाएगा असम। किलोवाट घंटा किसकी मात्रक है? तो किलोवाट घंटा ये ऊर्जा की मात्रक है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, परमाणु रिएक्टर में किसका ईंधन के रूप में प्रयोग होता है? तो परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। और परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो भारी जल और ग्रेफाइट के। परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में कहेगा तो कैडमियम प्लस बोरॉन के छड़ का प्रयोग करते हैं नियंत्रक के रूप में। किस प्रकार का लेजर प्रिंटर में प्रयोग होता है? तो यह हो जाएगा अर्धचालक लेजर। लेंस की शक्ति किससे मापी जाती है? तो ये मापी जाती है डायोप्टर से।
फर्मी किसकी मात्रक है? तो फर्मी लंबाई की मात्रक है और एक फर्मी बराबर 10^-15 मीटर होता है। आगे देखेंगे कंप्यूटेड टोमोग्राफी जिसे सीटी स्कैन कहते हैं, इसके प्रयोग कौन करता है? तो इसमें होता है एक्स किरण का प्रयोग और एक्स किरण के खोज किए थे रोएंटजन ने। बाइनरी कोड में संख्या 7 कैसे लिखी जाती है? तो ये लिखी जाती है 111 यानी कि 111। किसका गलनांक अधिकतम होता है? तो सिलिकॉन का गलनांक जो होता है अधिकतम होता है और ये एक प्रकार के अर्धचालक है। इसरो का प्रधान कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है बेंगलोर में। इसरो का गठन हुआ था 1969 में। पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन किए थे? तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएंगे और कब किए थे? तो 1928 में। परमाणु रिएक्टरों में किस प्रकार द्वारा विद्युत उत्पादित की जाती है? तो नाभिकीय विखंडन के द्वारा। आगे देखेंगे किस देश ने विश्व का पहला डेंगू वैक्सीन अनुमोदित किया है? तो ये देश हो जाएगा मैकिस्को। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित की गई थी? तो ये की गई थी 1975 में और कहाँ से? तो सोवियत संघ रूस के द्वारा। TERLS क्या है? तो ये रॉकेट प्रक्षेपण स्टेशन है। प्राक सैंधव काल के किस पुरास्थल से हल द्वारा जुताई की प्रमाण प्राप्त है? तो ये प्राप्त है कालीबंगा से। और कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। आगे देख लेंगे चिरांद पुरास्थल पर किस प्राचीनतम संस्कृति के अवशेष मिले हैं? तो ये नवपाषाणिक संस्कृति का अवशेष मिले हैं। नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था और कृषि करना स्टार्ट किए थे नवपाषाण काल में और इसी में अस्थाई जीवन की शुरुआत की गई और पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल में ही हुआ था। दमदमा पुरास्थल किस प्रदेश में स्थित है? तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। दमदमा पुरास्थल किस प्रदेश में स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। द्वितीय नगरीकरण में किस धातु का प्रमुख योगदान था? तो लोहा का। दमदमा जो क्षेत्र है ये मध्य पाषाण युग का है। महावीर का जन्म स्थान कहाँ पे है? तो महावीर का जन्म हुआ था बिहार के वैशाली जिला के कुंड ग्राम में। कब? तो 540 ईसा पूर्व में। महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम हो जाएगा महामाया। पाटलिपुत्र किस राजवंश की राजधानी थी? तो ये मगध राजवंश की राजधानी है। अवंती राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो अवंती की राजधानी हो जाएगा उज्जैन। आगे देखेंगे कौटिल्य अथवा चाणक्य किस सम्राट का प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। अशोक ने किस राज्य पर आक्रमण किया था? तो कलिंग पे। कलिंग के युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। चौथी बौद्ध संगीति किसके द्वारा बुलाई गई थी? तो ये बुलाई गई थी कनिष्क के द्वारा। चंद्रगुप्त द्वितीय किस साम्राज्य के शासक थे? तो ये गुप्त साम्राज्य के शासक थे और नवरत्न का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से ही हो जाएगा। महरौली लौह स्तंभ अभिलेख का चंद्र किससे संबंधित है? तो महरौली जो लौह स्तंभ है ये चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। भारत के प्राचीनतम सिक्के कौन है? तो भारत के जो प्राचीनतम सिक्का था उसे आहत सिक्का कहा जाता है। आगे देख लेंगे स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और इनका संबंध हो जाएगा बिहार से। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो जीरादेई सिवान जिले में। किस शासक ने गुलाम हेतु विभाग स्थापित किया था? तो ये किए थे फिरोज शाह तुगलक और ये कौन विभाग था? तो दीवान ए बंदगान। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बिहार में कब लागू किया कब लागू किया गया था? तो बिहार में लागू किया गया था 1 फरवरी 2014 में और इसे पारित किया गया था भारत में कब? तो 2013 में। बिहार में लागू हुआ 1 फरवरी 2014 में और वही कह दिया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत कब हुई? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत 2007 में हुआ था और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था 2013 में। बिहार में पारित कब लागू किया गया था? तो 1 फरवरी 2014 में। भारत में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो तांबा के अयस्क के उत्पादन में अग्रणी राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश और राजस्थान में तांबा का उत्पादन कहाँ से होता है? तो खेतड़ी से। आगे देख लेंगे आगे हो जाएगा अगला क्वेश्चन है
अकबरनामा पुस्तक के कितने खंड हैं? तो अकबरनामा पुस्तक के 3 खंड हैं। लेखक कहेगा तो अबुल फजल हो जाएंगे। ओम किसका मात्रक है? तो ओम मात्रक हो जाएगा प्रतिरोध के। किस सिद्धांत का उपयोग चमगादड़ द्वारा किया जाता है? तो किस सिद्धांत के कहेगा तो सोनार जो सिद्धांत है इसका उपयोग चमगादड़ के द्वारा किया जाता है, क्योंकि चमगादड़ भी पराश्रव्य तरंग के प्रयोग करते हैं और सोनार में भी पराश्रव्य तरंग का प्रयोग होता है। खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट है। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का घनत्व अधिकतम होता है और वही कहेगा आयतन तो सबसे कम होता है। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव हुआ था और ये हुआ था 3 दिसंबर 1984 में। मिथाइल आइसोसाइनेट के सूत्र हो जाएगा C2H3NO। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष सर सीवी रमन को रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये दिया गया था 1930 में और ये भौतिक के क्षेत्र में दिया गया था। LPG के प्रमुख घटन कौन सा है? तो LPG के प्रमुख घटक हो जाएगा ब्यूटेन। BCG के टीकाकरण किसके लिए किया जाता है? तो यक्ष्मानी की TB के लिए। कौन सा विटामिन ऊष्मा द्वारा आसानी से नष्ट हो जाती है? तो विटामिन सी ऊष्मा के द्वारा आसानी से नष्ट हो जाती है। रासायनिक नाम कहेगा तो एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। किस मंडल में ओजोन परत पाई जाती है? तो ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। भारत की प्राचीनतम संस्कृति कौन सी है? तो पूरा पाषाणिक संस्कृति हो जाएगा भारत की प्राचीनतम संस्कृति। आगे देखेंगे, वेद कितने प्रकार के हैं? तो वेद टोटल 4 प्रकार के हैं। हड़प्पीय संस्कृति के उपकरण किस धातु से निर्मित थे? तो ये ताम्र यानी कि तांबा और कांसा के। बंदरगाह किस पुरास्थल के उत्खनन से प्राप्त हुआ है? तो सिंधु सभ्यता में बंदरगाह प्राप्त हुआ है लोथल से। लोथल भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है और यहाँ से डकवाड़ भी प्राप्त हुआ था और अग्निकुंड के साक्ष्य भी लोथल और कालीबंगा से मिला है। प्रतिनूतन काल समाप्ति की तिथि क्या है? तो ये 10,000 वर्ष पूर्व। भारत में विश्व विख्यात शैल चित्रकला स्थल कहाँ स्थित है? तो स्थित है भीमबेटिका में और ये सबसे पुराना गुफा है। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक कहेगा तो हेमचंद्र विक्रमादित्य हो जाएंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था कोलकाता। जो फोर्ट विलियम कॉलेज है इसकी स्थापना 1800 में कोलकाता में किया गया था। किसके द्वारा? तो लॉर्ड बेलेजली के द्वारा। अभिज्ञान संकुंतलम के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे कालिदास। सन 1582 में दीन ए इलाही किसके द्वारा लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था अकबर के द्वारा। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया? तो खिलाफत आंदोलन के नेता हो जाएंगे मोहम्मद अली और शौकत अली। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1919 में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा और इसकी स्थापना हुआ था 1916 में। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे BD सावरकर। BD सावरकर नहीं, अभिनव भारत के गठन किए थे 1904 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो ये किए थे महात्मा गांधी। कब? तो 1930 में। आगे हो जाएगा, चौरी चौरा की घटना कब घटित हुई थी? 5 फरवरी 1922 में। और कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ पर स्थित है? नागपुर महाराष्ट्र में। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना हुआ था 1925 में और किए थे केशव हेडगेयर। किसे मूर्खों का सोना कहा जाता है? मूर्खों के सोना कहा जाता है आयरन सल्फेट या आयरन पायराइट्स को। मनुष्य के शरीर के सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 फारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस। आगे देखेंगे, आम किस प्रकार का एक फल है? तो आम एक वास्तविक फल है। कालाजार किस प्रकार का रोग है? तो कालाजार संक्रामक रोग है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रेसिडेक्स सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा। बिहार का प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है माधेपुरा में। भारत में सौर्य तालाब की स्थापना पहली बार कहाँ की गई थी? तो ये की गई है गुजरात में।
मिसाइल का ध्वनि वेग कितना होता है? तो मिसाइल के ध्वनि वेग होता है 180 से 190 डेसिमल। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन जिसे अंकटाड कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड, और इसका गठन हुआ था 1964 में। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन है पाइका आंदोलन के नेता कौन थे? तो पाइका आंदोलन के नेता हो जाएंगे बलथी जंगबंधु, और पाइका जो आंदोलन था ये उड़ीसा में हुआ था, नेता हो जाएंगे बलथी जगबंधु। मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बच्चे और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण। अंगोला की राजधानी कहाँ पे है? तो अंगोला की राजधानी हो जाएगा लुआंडा। धनुष मिसाइल प्रहार करता है, तो धनुष मिसाइल जो प्रहार करता है, तो धनुष जो मिसाइल ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो ये हो जाएगा मीथेन। पहाड़ों पर नाक से रक्त निकलने का प्रमुख कारण क्या है? तो वायुमंडलीय दाब का घट जाना। आगे हो जाएगा, किस वर्ष जिला पदाधिकारी जैक्सन की हत्या की गई थी? तो ये की गई थी 1909 ईस्वी में, और कर्नल वाइली की हत्या भी 1909 में किया गया था। स्वतंत्र भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री कौन बनी? तो ये बनी थी इंदिरा गांधी, और ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनने वाली प्रथम महिला थी, जो कि पहली बार 1966 में बनी थी। और ये भारत के पहली जो रक्षा मंत्री थी इंदिरा गांधी हो जाएंगी, और भारत के पहला रक्षा मंत्री पुण्यकाली के लिए कहेगा तो ये हो जाएंगे निर्मला सीतारमन। पुण्यकाली के लिए तो निर्मला सीतारमन हो जाएंगे। बिहार में मुखिया द्वारा कितनी अवधि पर ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जा सकती है? तो 15 दिनों में। बिहार में कह रहा है कि स्वराज्य दल के अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार में स्वराज्य दल के अध्यक्ष हो जाएंगे नारायण प्रसाद। पुस्तक इन ए फ्री स्टेट की रचना किसने की थी? तो ये की थी बीएस नायपॉल। माइट्रोकॉन्डिया की खोज किसने किया था? तो ये किए थे अल्टमैन 1886 में। नामकरण किसने किया था माइट्रोकॉन्डिया के? तो नामकरण किए थे बेंडा। माइट्रोकॉन्डिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। आगे देखेंगे, एस्पेरेगिलिस का इस्तेमाल किसके निर्माण में किया जाता है? तो एल्कोहल के निर्माण में किया जाता है। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भारत में कहाँ पर स्थित है? तो स्थित है नई दिल्ली में। बैंकिंग लोकपाल योजना भारत में प्रथम बार कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 1995 ईस्वी में। पेरीस्कोप का उपयोग किसमें किया जाता है? तो पनडुब्बी में किया जाता है, और पेरीस्कोप प्रकाश के परावर्तन पर कार्य करता है। लिपु लेख दारा कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। आगे देख लेंगे, आगे है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो ये किए थे राजा राज प्रथम, और बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है तमिलनाडु में। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स के एसआई मात्रक हो जाएगा वेबर। बोरेक्स किसका अयस्क है? तो ये सोडियम के अयस्क है। सूत्र कहेगा तो Na2B4O7 10H2O होता है। नेचुरल हिस्ट्री की रचना किसने की? तो ये किए थे पिलनी। बाबू वीर कुंवर सिंह जो 1857 की क्रांति में एक बड़े नेता थे, उनका संबंध बिहार के किस स्थान से था? तो जगदीशपुर आरा से। जल में चीनी का घुलना किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? तो वास्तविक विलयन का उदाहरण है। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा मनुष्य के शरीर में स्थित दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगा अग्नाशय, और पहला सबसे बड़ी ग्रंथि कहेगा तो यकृत होता है। जो अग्नाशय है ये मिश्रित ग्रंथि है, क्योंकि ये अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों है। कौन सा बंदरगाह पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा अदन बंदरगाह। भोजपुरी उपन्यास पूर्वी की धार पुस्तक की रचना किसने की? जौहर साफियाबादी किए थे। भोजपुरी उपन्यास पूर्वी की धार पुस्तक की रचना किसने की? जौहर साफियाबादी। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीट आरक्षित की गई है? तो ये हो जाएगा 38। प्राचीन भारत में जोरवे संस्कृति का नाम किस राज्य में उसी नाम से स्थान पर रखा गया है? तो ये महाराष्ट्र के नाम पर रखा गया है। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन है संक्रामक रोग और बाह्य प्रभाव से शरीर की रक्षा करने वाली कोशिकाओं कौन सी है? तो ये हो जाएगा ल्यूकोसाइटस। भारत में सामान्यतः पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित होने वाला फसल कौन सी है?
तो ये हो जाएगा रबी फसलें। रबी फसल की बुआई कब होती है? तो अक्टूबर और नवंबर में। पाषाण युग में माइक्रोलिथ समानतः किस युग में पाए जाते हैं? तो ये मध्य पाषाण युग में। आगे देख लेंगे, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का संबंध किन राज्यों से है? तो ये हो जाएगा चार राज्य, और चार राज्य है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसका ट्रिक कहेगा तो एटीएम मिजोरम हो जाएगा, यानी कि ए से हो जाएगा असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय और एक मिजोरम। स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सिफारिश की थी? तो ये भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का समावेश, यानी कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के जोड़ने का सिफारिश की थी स्वर्ण सिंह समिति, और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। उन्हें किस सामाजिक सुधार के लिए कदम उठाया था? तो विधवा पुनर्विवाह के लिए ये कदम उठाए थे, और विधवा पुनर्विवाह ये कब पारित किए थे? 1856 में। अमलगम किस धातु का अयस्क है? तो ये पारा का अयस्क है। हाइड्रोलिक लिफ्ट किस पर आधारित है? तो ये पास्कल के नियम पे। दम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित है? दम्फा टाइगर रिजर्व ये मिजोरम राज्य में स्थित है। वही डलमा टाइगर रिजर्व कहेगा तो झारखंड में स्थित है। भारत में केंद्र राज्य संबंध पर द्वितीय आयोग का गठन कब किया गया है? तो ये किया गया है 2007 में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बिहार में कब लागू किया गया? तो बिहार में लागू किया गया था जून 2006 में। और सूचना का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कहेगा तो राजस्थान हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत कब की गई? तो ये की गई थी 1973 में। हिंदी उपन्यास मैला आंचल के लेखक कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लेखक कौन है? अरुंधति राय। आगे देखेंगे, श्वसन क्रिया के समय वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? ये श्वसन क्रिया के समय कह रहा है तो 17% होती है। जैन साहित्य भारतेश्वर बाहुबली राशि की रचना किसने की? तो शीलभद्र सूरी किए थे। केंद्रीय जांच ब्यूरो का गठन किस प्रस्ताव के तहत किया गया था? गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के अंतर्गत किया गया था। ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के पूर्व गठित अंतरिम सरकार में भारत के वाणिज्य मंत्री कौन थे? तो ये थे आई चूड़ीगर। ये कह रहा है कि भारत के स्वतंत्रता के पूर्व जो गठित अंतरिम सरकार थी उसमें भारत के वाणिज्य मंत्री कौन थे? तो आई चूड़ीगर हो जाएंगे। लुकिंग ग्लास बना होता है तो ये समतल दर्पण का बना होता है। किसे वृक्षीय मेढक के रूप में जाना जाता है? तो हवाला को वृक्षीय मेढक के रूप में जाना जाता है। बिहार में किस नृत्य के माध्यम से वर्षा के लिए इंद्र की पूजा की जाती है? तो ये नृत्य हो जाएगा झिझिया नृत्य। गन्ने में रेड रॉट बीमारी के होने का कारण क्या है? तो गन्ने में रेड रॉट बीमारी होने के कारण हो जाएगा कवक। और गेहूं में रस्ट रोग जो रस्ट रोग होता है ये कवक के कारण ही होता है। आगे देखेंगे, पंचायती राज चुनाव समिति का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1965 ईस्वी में। इरी नहर किसको जोड़ता है? तो इरी नहर जोड़ती है इरी झील और ओंटेरियो झील को। इरी नहर किसको जोड़ता है? इरी झील और ओंटेरियो झील को। नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है यूरेनियम का। और मंदक के रूप में कहेगा तो भारी जल और ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। बिहार में पंचायत समिति की सामाजिक न्याय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होते हैं पंचायत समिति के उप प्रमुख। बिहार में पंचायत समिति की सामाजिक न्याय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो पंचायत समिति के उप प्रमुख है। मेसाबी रेंज किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये लोहा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, या टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।